ओफो, ये डॉक्टर भी ना इतनी सारी जांचें लिख देता। मैं तो तंग आ चुका हूँ इन डॉक्टरों से। उफ, आजकल के पेशेंट समझते ही नहीं है कि उनको किन जांचों की जरूरत है। उनको समझाने में इतनी माथा पच्ची करनी। टेस्ट, जितनी भी तरह के हार्ट के टेस्ट होते हैं वो हम क्यों करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनके क्या नुकसान क्या फायदे होते हैं और उनसे हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, जब भी मैं चलता हूँ मेरे सीने में यहाँ तेज दर्द आता है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा करते हैं, आपके कुछ टेस्ट करा लेते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? आपका हम ECG इको TMT करेंगे। क्या खाली ECG से काम नहीं चलेगा? देखिए, ECG तो बेसिक जांच है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ देखते हैं। इको में हार्ट का फंक्शन देखते हैं, हार्ट की पावर देखते हैं हम, और TMT पे एक मशीन पर दौड़ लगवाते हैं, उससे दिल पे क्या लोड आ रहा है ये पता चलता है। तीनों जांचें ज़रूरी हैं आपके लिए। ओफो, ये डॉक्टर भी ना इतनी सारी जांचें लिख देते हैं, ECG, इको, TMT। बताओ क्या मतलब है इतनी सारी जांचों का? मैं तो तंग आ चुका हूँ इन डॉक्टरों से। उफ़, आजकल के पेशेंट समझते ही नहीं है कि उनको किन जांचों की ज़रूरत है। उनको समझाने में इतनी माथा पच्ची करनी पड़ती है। अब इन्हें कैसे समझाएं कि ECG से कोई जानकारी मिलती है, इको से कुछ जानकारी मिलती है और TMT से कुछ, और कैसे समझाएं? देखा आपने, एक पेशेंट को नहीं पता होता कि उसको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। उसी तरह से एक डॉक्टर को भी एक पेशेंट को अच्छे से समझाना चाहिए कि कौन से टेस्ट का क्या मतलब होता है और उसको वो टेस्ट क्यों करा रहे हैं। हमें पेशेंट को मेडिकल लैंग्वेज में नहीं, हमें सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाना चाहिए कि ये टेस्ट हम आपका क्यों कर रहे हैं और इसके लिए आपका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। तो मेरा ये मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि मैं सिंपल वे में आपको समझा सकूं कि हार्ट के टेस्ट, जितनी भी तरह के हार्ट के टेस्ट होते हैं, वो हम क्यों करते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उनके क्या नुकसान क्या फ़ायदे होते हैं और उनसे हमें क्या जानकारी देखने को मिलती है, ताकि भविष्य में इन टेस्ट की अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आपको पता हो पहले से कि किस टेस्ट का क्या मतलब होता है और वो डॉक्टर वो आपका टेस्ट क्यों करा रहा है। और हार्ट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, जो भी कन्फ्यूजन होते हैं, वो आज मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं भविष्य में भी आपको अच्छी अच्छी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस यूं ही देता रहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हमें ECG में पता चल जाए। तो जो कॉमन टेस्ट हम हार्ट में करते हैं वो होता है ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इको यानी कि इकोकार्डियोग्राफी, TMT यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट, होल्टर मॉनिटरिंग यानी कि 24 आवर ECG मॉनिटरिंग, और जो एडवांस टेस्ट हम हार्ट के करते हैं उसमें आती है एंजियोग्राफी, जिसमें दिल की नसों की ब्लॉकेजेस हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ECG का क्या मतलब होता है। ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज देखी जाती है। ECG सबसे बेसिक जांच होती है, हर जगह हो जाती है, छोटे से छोटे गांव में भी हो जाती है, कस्बों में भी हो जाती है। तो ECG में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हम देखते हैं। सबसे पहले ECG को समझते हैं कि ECG में क्या हो। जो पहले ज़माने में जो ECG मशीन आया करती थी उसमें एक लंबी सी पट्टी निकलती है, और जो आजकल के ज़माने में नई ECG मशीन आ गई उसमें एक A4 साइज की पेपर शीट पे ECG निकलती है। बेसिकली ECG में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हमें ECG में पता चल जाता है, किसी को एंजाइना हो रहा है, इसकी चेंजेस आ रहे हैं तो हमें ECG में पता चल जाता है, किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, जैसे कि पोटेशियम होता है, पोटेशियम का कम होना, पोटेशियम का जाना ज़्यादा होना, कैल्शियम का कम होना, कैल्शियम का ज़्यादा होना, इन सब को भी हम ECG में देख सकते हैं, ECG से पता कर सकते हैं। और जो ECG का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमारे हार्ट अटैक को पता लगाने में होता है। साथ में धड़कन कैसी चल रही है, धड़कन में कोई एरिथमियास तो नहीं है, एरिथमियास का मतलब कि धड़कन ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, कोई ख़राब धड़कनें तो नहीं आ रही हैं, तो वो भी हम ECG में देख सकते हैं। तो ECG बहुत ही बेसिक जांच है। किसी को अगर चेस्ट पेन होता है तो हम सबसे पहले ECG करके देखते हैं, या कोई कहता है कि हमारी धड़कन ऊपर या नीचे हो रही है, पाल्पिटेशन फील हो रही है, तो हम ECG करके देखते हैं। तो ECG से हमें बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ECG हमेशा सच बोले। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को हार्ट की बीमारी नहीं होती पर ECG में खराबी आ जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को हार्ट की बीमारी होती है पर ECG उसका नॉर्मल आता है। कई बार यंग फीमेल्स होती हैं, 25 साल की, 30 साल की, उनके ECG में टीन वर्जन आए थे, या बच्चों में 15-16 साल के में उनके ECG में चेंजेस आए थे, पर उनको टेक्निकली हार्ट की कोई बीमारी होती नहीं है। तो हम वो पेशेंट के सिम्टम के साथ कोरिलेट करते हैं। अगर यही ECG के चेंजेस हमें 60 साल के इंसान में मिलते हैं तो हम उसे हार्ट अटैक के चेंजेस मान।
तो ECG हमने कर लिया, ECG में हमने बहुत इन्फॉर्मेशन ली। अब कभी कभार होता है कि ECG के बाद भी हमें डायग्नोस्टिक डिलीमा रहता है कि ये पेशेंट को वाकई में हार्ट का कुछ है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो नेक्स्ट टेस्ट आता है, जो थोड़ा सा एडवांस होता है ECG से, वो आता है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड टाइप की मशीन होती है, उसमें इको का प्रोब होता है। तो यहाँ हार्ट पे जो हार्ट का एरिया होता है चेस्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में, वहाँ हम उस प्रोब को लगाते हैं और हार्ट पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। चलिए समझते हैं हम इको में हम क्या देखते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी में हम हार्ट को देखते हैं, पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि ये हार्ट आप देख पा रहे होंगे पूरा कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिव्यू चेंज किया हमने, तो आप इसको एक गोले की तरह देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल है, पूरे इसकी पावर पता चलती है हमें हार्ट की, सारी दीवारों में क्या किस पावर पे चल रहा है हार्ट। अगर हार्ट अटैक पड़ता है तो इनमें से किसी एक दीवार में, एंट्रियर वॉल या लेटरल वॉल या इन्फीरियर वॉल, इसमें मूवमेंट कम हो जाती है। तो इको में हम देख पाते हैं ये। फिर हम कुछ और व्यूज़ बनाते हैं, जैसे कि ये हमने पाइकल फोर चैम्बर व्यू बनाया। इसमें आप देखेंगे तो हार्ट के सारे चारों चैम्बर दिख रहे हैं, ये LA, LV, RA, RV, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। इसमें पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाल दिख रहा है आपको, मिट्रल वाल दिख रहा है, ये ट्राइकस्पिड वाल दिख रहा है, और ये एओर्टिक वाल दिख रहा है। तो वाल्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, जिसमें से कि जो खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इनकी लीकेजेस देखते हैं, वाल की लीकेजेस तो नहीं है, जैसे कि इन पेशेंट में हल्का सा ये मिट्रल वाल लीक कर रहा है। तो ये सारी जानकारी हमें इको में मिलती है, और जो इको है हार्ट का स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच होती है। इससे हार्ट अटैक का भी पता चलता है, वाल की बीमारी का पता चलता है, हार्ट का सिस्टोलिक फंक्शन पावर पता चलती है, हार्ट का डायस्टोलिक फंक्शन पता चलता है, हार्ट का रिलैक्सेशन पता चलता है, साथ में हार्ट की अन्य बीमारी जैसे कि पेडिकार्डियल इफ्यूजन, जब हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाता है तो वो इसमें पता चलता है। तो अच्छी इंपॉर्टेंट जाँच है, और ये हम हार्ट के मरीजों के लिए करते हैं। तो इकोकार्डियोग्राफी बहुत ही अच्छी जांच होती है, उसमें पूरा मतलब कंप्लीट हार्ट का स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है। लेकिन डॉक्टर इज जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, जैसे डिटेक्टिव सॉल्व करता है, वैसे ही ये डॉक्टर होता है, उसे डायग्नोसिस बनाने के लिए उसको बहुत सारे सबूत जुटाने पड़ते हैं। फिर आती है हमारी TMT की जांच। तो TMT इज अ स्ट्रेस ECG, मतलब कि हमने पेशेंट को स्ट्रेस दिया किसी तरह से, उसकी दिल की धड़कन बढ़ाई हमने, और फिर हमने ECG रिकॉर्ड किया। तो द स्ट्रेस ECG इज कॉल्ड एज ट्रेडमिल टेस्ट और TMT टेस्ट। TMT में हम क्या करते हैं, TMT में हम पेशेंट को एक ट्रेडमिल पर दौड़ाते हैं, और दौड़ाने से उसकी दिल की धड़कन बढ़ाते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि जब पेशेंट को ट्रेडमिल पर दौड़ाया तो उसके ECG में चेंजेस अगर आने लग जाते हैं, मतलब कि ST डिप्रेशन होता है। टेक्निकली आपको बात समझ में थोड़ी शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन ये समझ लीजिए कि ECG में कुछ खराबी आना शुरू हो जाती है। तो वो खराबी हम देखते हैं कि चलने पे वो आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर TMT खराब आ जाता है तो हम उसे पॉजिटिव TMT कहते हैं। तो जो पॉजिटिव TMT का मतलब है कि या तो दिल की किसी नस में कोई ब्लॉकेज है, या फिर दिल में जो ब्लड फ्लो है वो स्लो फ्लो चल रहा है। TMT की मतलब जो सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी होती है वो भी करीब 65-70% ही होती है, मतलब कि केवल 65-70% के बीच में ये रहता है कि ये TMT जो बता रही है रिपोर्ट वो सही बता रही है। ये हम पेशेंट का TMT कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट कर रहे हैं। इसमें पेशेंट को हम ट्रेडमिल पे चलवाते हैं इस तरह से कुछ, और ECG लीड्स उसमें अटैच होती हैं, और उसकी रीडिंग हम अपने कंप्यूटर में देखते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं TMT टेस्ट किस तरह से होता है। कई बार ऐसा होता है, मतलब कई एग्जांपल हम देख चुके हैं कि पेशेंट का ECG नॉर्मल था, इको नॉर्मल था, पर उसका TMT खराब आ जाता है। तो कई पेशेंट हमसे बोलते हैं कि साहब ECG इको तो नॉर्मल आया है हमारा, अब TMT क्यों करा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ECG इको नॉर्मल आने के बावजूद भी आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जो कि TMT में हमें पता चल जाते हैं। एक और हार्ट की इंपॉर्टेंट जांच होती है, जिसे हम कहते हैं होल्टर मॉनिटरिंग। होल्टर मॉनिटरिंग इज ऑल्सो एन ECG, पर वो 24 घंटे का ECG होता है। तो ये क्या करती है होल्टर की मशीन, ये 24 घंटे का आपका ECG निकालेगी। तो ये होल्टर का टेस्ट हम कब करते हैं, तो होल्टर का टेस्ट हम उन पेशेंट्स में करते हैं जो पेशेंट हमें पाल्पिटेशन की कंप्लेंट करते हैं, एक तो कि हमें बीच बीच में धड़कन तेज हो जाती है, या फिर कोई पेशेंट हमें सिंकोप की कंप्लेंट करता है। सिंकोप का मतलब होता है कि अचानक चक्कर खा के गिर जाना, या आंखों के आगे अंधेरा जा जाना। तो ये सिंकोप में क्या होता है कि दिल की धड़कन कई बार अप डाउन हो जाती है। अप डाउन का मतलब है कि या तो अत्यधिक कम या अत्यधिक ज़्यादा। तो दोनों ही कंडीशन में ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और इंसान की आंखों के सामने अंधेरा भी आ जाता है, और कई बार तो इंसान गिर भी जाता है। तो
जब ऐसा कोई पेशेंट आता है कंप्लेंट, बहुत पेशेंट आते हैं सिंकोप की कंप्लेंट लेके, तो जब ऐसा कोई पेशेंट आता है सिंकोप की कंप्लेंट लेके तो हम उसका ऑल्टर लगाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कोई इसको एरिथमियाज तो नहीं हो रहे हैं। एरिथमियाज का मतलब ये होता है कि धड़कन कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही है। धड़कन भी कई टाइप्स की होती है, मतलब ज़्यादा भी होती है तो टेक्निकली आपको शायद समझने में मुश्किल हो, लेकिन VT होता है, PSVT होता है, AF होता है, APC होते हैं, VPC होते हैं, बाईजिमनी होती है, ट्राईजिमनी होती है, ये टेक्निकल वर्ड्स है, पर कुल मिला के आप बस इतना समझ लीजिए कि कुछ धड़कनें होती खराब जो कि हमें होल्टर में दिख जाती है, और हर खराब धड़कन का अलग ट्रीटमेंट होता है। किसी को PSVT हो रहा तो आप उसको अलग ट्रीटमेंट देंगे, आप किसी को VT हो रहा तो अलग ट्रीटमेंट देंगे, किसी की धड़कन अगर कम हो रही है, उसको सिंकोप हो रहा है धड़कन कम होने की वजह से, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है, फिर आपको उधर को धड़कन बढ़ाने के आपको उपाय करने पड़ते हैं। होल्टर 24 घंटे के लिए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कुछ धड़कनें जो होती हैं वो बीच में आती हैं और फिर वो चली जाती हैं, तो ऐसे हम होल्टर में एबनॉर्मल बीट्स का यानी कि एबनॉर्मल धड़कनों का पता लगा लेते हैं, कुछ एरिथमियाज का पता लगा लेते हैं जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आती हैं और फिर वो चली जाती हैं, और उसके आधार पर, उस डायग्नोसिस के आधार पर हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दे पाते हैं। तो हमने ECG समझ लिया, ECO समझ लिया, TMT समझ लिया और होल्टर भी समझ लिया। अब एक और एडवांस जांच आती है हार्ट की, जिसमें हम पेशेंट की दिल की नसों की जांच करते हैं, वो इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, वो हाथ की नस से हम एक ट्यूब डालते हैं पेशेंट के दिल तक, या पैर की नस से भी डालते हैं कभी, तो वो ट्यूब से हम उसकी दिल की जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो दिल की आर्टरी होती है, आई डाल के हम ये देखते हैं कि पेशेंट की हार्ट की किसी नस में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो ये एक अल्टीमेट टेस्ट होता है जो बहुत ही श्योरिटी से बताया जाता है कि आपको जो पेन है वो हार्ट अटैक का पेन है या एंजाइना का पेन है। तो एंजियोग्राफी में हमें ब्लॉकेजेस का सामने सामने दिख जाता है कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, कितने परसेंट है, दिल की तीन आर्टरी होती हैं, तीनों में से कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है, उनके किस ब्रांच में ब्लॉकेज है, तो सारा डिटेल हमें मिल जाता है। और अगर वो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसे एंजियोप्लास्टी से खोल भी देते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो हार्ट के मरीजों में हम एडवाइस करते हैं, जिसमें कि हम कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड प्रोफाइल उसका एडवाइस करते हैं, जिसमें उसका LDL लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, VLDL लेवल, नॉन HDL लेवल, ये सब देखते हैं। और हम एक ट्रोपोनिन की जाँच भी करते हैं, जब पेशेंट चेस्ट पेन करके आता है और हार्ट अटैक सस्पेक्टेड होता है, तो ट्रोपोनिन का टेस्ट करते हैं या CPK-MB का टेस्ट करते हैं, जिससे हमें मायोकार्डियल डैमेज पता चल जाता है। मतलब ट्रोपोनिन अगर पॉजिटिव आया है तो समझ लीजिए कि उसको हार्ट अटैक पड़ चुका है। मैंने हार्ट अटैक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को लिंक में जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, क्या समाधान है। उसी तरीके से मैंने ब्लड प्रेशर पे वीडियो बनाई है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने हार्ट फेलियर पे वीडियो बनाई है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि हार्ट की कौन सी जांच का क्या मतलब है और उसका क्या रोल है। अब हम समझेंगे कि किस सिम्टम में हम कौन से टेस्ट कराते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिम्टम के साथ, और उसमें हम क्या क्या टेस्ट कराते हैं। तो जब चेस्ट पेन का जो ओल्ड एज का पेशेंट आया, तो मैंने उसका ECG को TMD कराया। पर अगर कोई एटिपिकल चेस्ट पेन करके आया पेशेंट, वो भी यंग पेशेंट आया, फीमेल पेशेंट आई, तो खाली मैं उसका ECG ऑर्डर करूंगा। अगर ECG में मुझे कुछ गड़बड़ लगती है तो मैं उसका ECO भी कराता हूं। अगर पेशेंट बोलता है कि मेरी सांस भी फूलती है, तो सांस फूलती है तो मुझे हार्ट की पावर देखनी होती है और मुझे वाल्व का फंक्शन देखना होता है। इंडिया में रोमेटिक हार्ट डिजीज नाम की बीमारी बहुत कॉमन है, जिसमें हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं, उसमें मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रीगर्गिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रीगर्गिटेशन, तो वो हम ECO में देख लेते हैं। ECO में हमें वाल्व सारे दिख जाते हैं, हार्ट के जो वाल्व होते हैं उनके मूवमेंट पता चल जाते हैं, उनकी स्टेनोसिस तो नहीं हो गई, सिकुड़ तो नहीं गए, या उसमें लीकेज तो नहीं आ गई है, वो हमें ECO में पता चल जाते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास सांस फूलने के साथ आता है तो हम उसका ECG और ECO करते हैं। कभी कभी छोटे बच्चों में भी ECO को एडवाइस किया जाता है, वो दिल का छेद देखने के लिए ECO करते हैं हम लोग। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पेशेंट हमारे पास सिंकोप करके आया या पाल्पिटेशन करके आया, तो उस पेशेंट का हम ECG ECO के साथ साथ उसका हम होल्टर लगाते हैं, जिसमें 24 घंटे का हम उसका रिकॉर्डिंग देखते हैं ECG की, कि कुछ धड़कन उसकी खराब तो नहीं हो रही है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। तो ECG ECO में कोई रिस्क नहीं है, होल्टर में कोई रिस्क नहीं है, TMT में मामूली सा रिस्क है, एंजियोग्राफी में भी मामूली सा रिस्क है। तो मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि आपको टेक्निकली डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये जांच मेरी क्यों हो रही है और इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। एक कन्फ्यूजन और पेशेंट को हमेशा रहता है, वो होता है कि साहब हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी कराएं या CT एंजियोग्राफी कराएं। CT एंजियोग्राफी में क्या होता है कि इन्वेजिव टेस्ट नहीं होता है, उसको वेन से ही कॉन्ट्रास्ट दे दिया जाता है, जिससे कि हम कॉरोनरी आर्टरीज देखते हैं CT स्कैन के थ्रू। तो पर उसका कुछ बेनिफिट भी हैं, जैसे कि नॉन इन्वेजिव है, तो कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव केसेस काफ़ी निकल जाते हैं CT एंजियोग्राफी में, मतलब कि पेशेंट की आर्टरी में ब्लॉकेजेस नहीं है, बस CT एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस दिख जाते हैं। अगर उसमें ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो आपको फिर एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी फिर करा के देखनी पड़ेगी कि वाकई में वो ब्लॉकेजेस कितने परसेंट हैं।
और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके ब्लॉकेजेस ज़्यादा निकल गए तो आपको उसी सिटिंग में आपकी एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की जान भी बच जाती है। तो ये जो बेनिफिट है वो सिटी एंजियोग्राफी में नहीं है। अगर सिटी एंजियोग्राफी में आपके ब्लॉकेज निकलता है तो आपको कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करा के देखनी पड़ेगी कि वो वाकई में ब्लॉकेज है या नहीं है, और है तो कितने परसेंट है। और सिटी एंजियोग्राफी का फायदा है अगर उसमें ब्लॉकेज नहीं निकलता तो एक तरह से आप सिक्योर हो जाते हो कि हाँ साहब हमारे दिल की नस में ब्लॉकेज नहीं है। तो सिटी एंजियोग्राफी का ये एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, रिस्क थोड़ा सा कम होता है उसमें कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के। हालांकि आजकल कन्वेंशनल एंजियोग्राफी भी बहुत कम रिस्क होता है उसमें भी, और अगर आप सिटी एंजियोग्राफी की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताऊँगा उसमें यह है कि डॉक्टर इज जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव। जैसे डिटेक्टिव होता है वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है, तो वो क्या करता है, वो बहुत सारे सबूतों को जुटाता है। तो हर सबूत के आधार पे इधर से वो मिलान करता है उनका कि ये चीज़ फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही, क्या कातिल यही है। तो वैसे ही जो मर्डर मिस्ट्री जैसे डिटेक्टिव सॉल्व करता है, वैसे ही ये डॉक्टर होता है, उसे डायग्नोसिस बनाने के लिए उसको बहुत सारे सबूत जुटाने पड़ते हैं। हमें पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स भी देखने पड़ते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या हैं, साइन क्या हैं, फिर हम उसे कोरिलेट करते हैं, जो हम जाँच करते हैं क्या वो आपस में मेल खा रही है। तो इसी वजह से हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। हमारा जो मेन मकसद होता है टेस्ट कराने का वो पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने का होता है, क्योंकि अगर हम पेशेंट की डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे तो ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो अगर हम उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, पेशेंट के साथ उसको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो हमें उसको अच्छे से डायग्नोज करना पड़ेगा परफेक्टली। सारे टेस्ट की एक हार्मोनी रहती है, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन चलता है वो ट्रस्ट पे चलता है। तो एज अ पेशेंट आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर पे, और एज अ डॉक्टर आपको अपने पेशेंट के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, उसका कोशिश करनी चाहिए कि उसका कम से कम पैसा खर्च हो, कम से कम टेस्ट कराने पड़े उसे। और एज अ पेशेंट आपको समझना चाहिए कि डॉक्टर जो आपके टेस्ट करा रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी डायग्नोसिस बनाने के लिए उसके लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा मैसेज समझ में आया होगा, वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।